अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ट्रस्ट वॉलेट। आपने ट्रस्ट वॉलेट की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्रिएट अ न्यू वॉलेट और ऐड वॉलेट का ऑप्शन है। आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने कि आपने इसका बैकअप जो है वो गूगल ड्राइव के अंदर बनाना है या मैन्युअली करना है। तो आप इसको मैन्युअली बैकअप भी कर सकते हैं और गूगल के अंदर भी बैकअप बना सकते हैं। आपने यहाँ पे इसका बैकअप मैन्युअली बना लेना है। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ पर इन तीनों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे पार्सेस शो हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और इसको अपने पास किसी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं बनाना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इसका बना भी नहीं सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको किसी नोटबुक के ऊपर कापी के ऊपर नोट कर लेना है। आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है उसका सारे का सारा दारोमदार इन्हीं पर्सेस के ऊपर है। इन पर्सेस के बगैर आप अपने वॉलेट के को एक्सेस नहीं कर सकते, अपने वॉलेट को आप ओपन नहीं कर सकते। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होता, सिर्फ ये पर्सेस ही होते हैं। इन्हीं के ज़रिए से आप अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं और लॉग इन करते हैं। आपने इनको अपने पास नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है और नोट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपने जो पर्सेस जो आपको मिले थे वो आपने वेरीफाई करने हैं, उसी सेटिंग के साथ वेरीफाई करने हैं जिस सेटिंग के साथ आपको मिले थे। तो मैं यहाँ पे इनको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो हमारा सबसे पहला वर्ड ये है और चौथे नंबर का वर्ड हमारे पास जो है वो ये था, और उसके बाद ये हमसे सातवें नंबर का वर्ड पूछ रहा है। सातवें नंबर पे हमारे पास वाइटल था और टेन नंबर पे ये पूछ रहा है, तो टेन नंबर पे हमारे पास ये वर्ड था। आपने इसको इस सेटिंग के साथ लगा के फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा लेना है। ऐसा पासवर्ड लगाना है जो आपको याद रहे, नंबर वाला पासवर्ड लगाना है, एक दो वाला। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा लेता हूँ। आपने अपने हिसाब से पासवर्ड लगाना है जो आपको याद रह सके और आप उसके ज़रिए से दोबारा लॉगिन कर सकें। तो ये हमने पासवर्ड सेट कर लिया है। तो ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट बन चुका है और हम स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका वॉलेट जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी हमारे वॉलेट में 0-0 है, हमारे वॉलेट में कुछ भी नहीं है इस टाइम, तो इसलिए हमारा वॉलेट 0-0 शो कर रहा है। तो इसके अंदर हम जब फ़ंड डालेंगे तो हमारे पास जो वो फ़ंड यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने कॉइन्स किस तरह से ऐड करने हैं और किस तरह से रिमूव करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉइन्स को लेफ़्ट स्क्रॉल करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। बिटकॉइन को मैं डिसेबल कर देता हूँ, तो ये लिफ्ट किया और डिसेबल के ऊपर क्लिक किया तो डिसेबल हो गया। ऐड किस तरह से करना, ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऊपर राइट के ऊपर एक बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उस कॉइन को सर्च कर लेना है जो कॉइन आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कार्डानो को ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कार्डानो हमारे पास ऐड हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आपको मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें।